हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि निफ्टी में ब्रॉड ट्रेड जो ब्रॉड ट्रेंड है वो अगर आप देख सकते हो, इट इज़ अप ओनली टिल नाउ, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है, जो माइनर ट्रेंड थोड़ा वीक था। सो हमने आपको पता हो तो डिस्कस किया था कि ये जो रिसेंट जो हाई है निफ्टी का 18,330 या 20 के अराउंड, तो उसको ब्रेक करे वॉल्यूम के साथ तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स लुक एट आज इंट्राडे का चार्ट। हम देखते हैं, आप देख सकते हो वो हाई को आज ब्रेक करने की कोशिश किया सुबह में, बट उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाया। नाउ वी आर एबल टू सी एनी बिग वॉल्यूम्स, राइट? सो कल अगर ये हाई को वॉल्यूम के साथ अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,270 और मे बी 18,280 के आसपास। सो लुक फॉर द स्मॉल रिस्क अपॉर्चुनिटीज। और अगर कल मान लो आपको दिखता है कि फिर से 18,240 या 230 को ब्रेक डाउन करता है, तो देखना चाहिए कि वहाँ पे अगर कोई शॉर्ट टर्म लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिलता है नहीं मिलता है। अदरवाइज आई थिंक यू शुड अवॉइड फॉर शॉर्टिंग टिल वी डज नॉट हैव अ ब्रॉडर एंड माइनर ट्रेंड अगेन वीक, राइट? सो मेक श्योर दैट ऑलवेज बी विद द ब्रॉड ट्रेंड जो हमने डिस्कस किया है। अगर आपने ब्रॉड ट्रेंड के साथ नहीं रहा हो, अगर आपने शॉर्ट किया है, तो आप लुक फॉर द इंट्राडे ओनली। अगर आप पोजिशनल कैरी करेंगे, क्योंकि मेजर ट्रेंड अगर अप है तो आपको चांसेस है कि आपका वो ट्रेड का ऑड्स है, जो मतलब यू वॉन्ट टू गेट इट राइट और हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, तो वो बहुत कम चांसेस है, राइट? तो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में तो ब्रॉडर ट्रेंड भी पॉजिटिव है और माइनर ट्रेंड पॉजिटिव टू न्यूट्रल है, राइट? सो एज यू ऑल नो, वी हैव डिस्कस, जब तक बैंक निफ्टी 43,300 या 43,400 के नीचे जब तक कंसिस्टेंटली ब्रेक डाउन नहीं करता है वॉल्यूम के साथ, तब तक आप देख सकते हो कि अभी जो माइनर ट्रेंड है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, राइट? सो जैसे मैंने बताया था, 44,000 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। तो आज पूरा दिन रेंज बाउंड में ही निकाला है, तो कल देखना चाहिए कि 44,000 या 44,100 के ऊपर बैंक निफ्टी कैसे टिकता है, तो वी कैन लुक फॉर द। और ब्रॉड अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो यू शुड कीप होल्डिंग द लॉन्ग पोजिशन। लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप, व्हाट इज स्मॉल कैप इज डूइंग, राइट? स्मॉल कैप में जैसे हमने डिस्कस किया था, ब्रॉड ट्रेंड इज अप ओनली। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली अप जा रहा है। तो जब तक स्मॉल कैप इंडेक्स, जैसे मैंने बताया, 9700 या 9800 की जो रेंज है उसको बहुत अच्छी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन टू द स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। जैसे ही अभी रिसेंट हाई जो 10,000 है उसके ऊपर निकलता है, तो देर विल बी ए मैनी गुड लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। लेट्स लुक एट द फ्यू स्टॉक्स जैसे हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो HSCL, हिमाद्री स्पेशल जो कंपनी है, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया एंड नाउ स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन। सो मे बी नेक्स्ट 1-2 डेज और भी कंसोलिडेशन हो सकता है, एंड उसके बाद अगर वॉल्यूम भी ड्राइव होता है देन यू सी द ब्रेकआउट, तो आपको इसमें लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए जहाँ पे आपको मतलब छोटे से स्टॉप लॉस से अगर आपको बड़ा ऑब्जेक्टिव दिखता है तो यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, राइट? लेट्स लुक एट द हर्षा इंजीनियर्स, जो ये स्टॉक जब IPO आया उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन था, उसके बाद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। अगर ये मैं वॉल्यूम थोड़ा आगे कर दूँ तो आपको पता चले, क्योंकि IPO के दिन का वॉल्यूम की वजह से आपको छोटा वॉल्यूम, बट काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिला है यहाँ पे। और उसके बाद एक अप मूव आया, देन एक नया बेस बनाया, देन एक नया लो बनाया। तो जब तक अरसा मोटा मोटी 390-400 के नीचे नहीं जाता, तो ये स्टॉक में आपको पॉजिटिव बायस रखना चाहिए और लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज विद द स्मॉल रिस्क। तो आप देख सकते हो ये वॉल्यूम ड्राइव आउट हो गया है। तो कल का जो हाई था, जो फ्राइडे का, अगर 464 या आज का जो आई है 455, उसके ऊपर अगर टिकता है तो यू कैन लुक फॉर, अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो 445 इज अ रिस्क लेवल, राइट? एंड लेट्स लुक एट द इंजीनियर्स इंडिया। सेम वे इंजीनियर्स इंडिया भी अगर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और स्टॉक ने बड़ा मूव किया, उसके बाद स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आज आप देख सकते हो वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो अगर कल अगर आपको इंजीनियर्स इंडिया, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्मॉल अपॉर्चुनिटी, 101 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ था दिखता है, तो आपको 99 के स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, एंड अपसाइड में 1:3 या 1:5 या 1:6 पे आपका पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी रख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन टू द कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का चैनल,
तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सी यू ऑल अगेन टुमारो. या